सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज बात करेंगे माय फिट फ्यूल के MFF वे प्रोटीन AT के बारे में। गाइस, डिटेल रिव्यू करूंगा और आखिरी में बताऊंगा प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए या नहीं। तो गाइस, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडिंग एंड ओवरव्यू के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना नाम मेंशन किया माय फिट फ्यूल, प्रोडक्ट का नाम लिखा इसके बाद MFF वे प्रोटीन 80, और मेरे पास रिच चॉकलेट डिलाइट फ्लेवर है, 1 kg की पैकेजिंग है। उसके बाद कंपनी ने दोनों साइड अपनी पंचलाइन मेंशन किया, यस यू कैन डू इट। उसके बाद कंपनी ने बैक साइड पे अपनी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन, अमीनो एसिड प्रोफाइल, प्राइस रेंज और इंग्रेडिएंट्स सारा पीछे साइड में मेंशन किया, जिसके ऊपर अपन आगे वीडियो में आते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके मैन्युफैक्चर के बारे में, तो इसको मैन्युफैक्चर करता है द न्यूट्रिशन, जो कि बादल हिमाचल प्रदेश कंपनी, और इसको मार्केट करता है इन्वेंटिवा लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है। गाइस, ये इंडिया का प्रोडक्ट है, तो काफ़ी मेरे को जेन्युइन लगती है कंपनी। आगे मैं बताता हूँ क्यों मेरे को कंपनी जेन्युइन लगती है। बात कर लेते हैं पैकेजिंग के बारे में, तो पैकेजिंग काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद कंपनी यहाँ पे अपना स्क्रैच कोड प्रोवाइड करती है, जिसको आप स्क्रैच करके इनके ऐप पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट ऑथेंटिकेट है यानी। उसका जो यहाँ पे लीड प्रोवाइड करती है कंपनी, वो बहुत सारी कंपनियों की चीप रहती है, ढंग से लगती नहीं है। बाकी इसकी जो लीड रहती है काफ़ी बढ़िया से लगती है, और इसमें बिल्कुल भी एयर पासिंग नहीं होती है बंद करने के बाद। और बात करें इसकी पैकेजिंग और ट्रांसपेरेंसी के मामले में, तो मैं कंपनी को 9 out of 10 मार्क्स दूंगा। काफ़ी बढ़िया सी कंपनी, हर चीज़ में ट्रांसपेरेंट है, हर डिटेल कंपनी ने शेयर किया, पूरी एमिनो एसिड प्रोफाइल डिस्क्लोज की है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किए। इस बात कर लेते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ये सिंपल सट लिखा है, वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, और इसमें वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट 100% है, यहाँ पे कंपनी ने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है। उसके बाद इसमें कोकोआ परमिटेड नेचुरल आइडेंटिकल फ्लेवर है, क्योंकि मेरे चॉकलेट फ्लेवर है और सुक्रालोज है। सीधा सट कंपनी ने मेंशन किया, ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाना नहीं। इस बात करते हैं न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो कंपनी ने पर स्कूप साइज 34.5 ग्राम का मेंशन किया है। जिस हिसाब से मेरे पास 1 kg की पैकेजिंग है, तो इसमें 29 सर्विंग है, तो पर सर्विंग में बात करें तो 122 कैलोरी मिल जाती है। बात करूँ प्रोटीन की, तो 23.4 मिलता है। उसके बाद फैट मिल जाता है 1 ग्राम, उसके बाद कार्ब्स मिल जाते हैं 4.6, शुगर 0 है, एडेड शुगर 0 है, और सोडियम 82.8 है। तो गाइस, ओवरऑल कंपनी का जो प्रोटीन कंटेंट है वो 67 ग्राम आता है आउट ऑफ 100, जो कि डिसेंट है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, प्रोटीन यहाँ पे कंपनी ने जो मेंशन किया 23.4 ग्राम, ये एज इज बेसिस पे है। ड्राई बेसिस पे इनका प्रोटीन 25.3 ग्राम है, जो कि काफ़ी सारी कंपनियां मेंशन नहीं करती और ड्राई बेसिस पे बता रहे या एज इज बेसिस पे बता रहे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके एमिनो एसिड प्रोफाइल के बारे में। तो गाइस, कंपनी ने पूरा एमिनो एसिड प्रोफाइल अपना डिस्क्लोज किया, और साथ ही साथ इसका अमीनो एसिड प्रोफाइल इनके प्रोटीन कंटेंट को जस्टिफाई करता है, कि कंपनी की ट्रांसपेरेंसी को और बढ़ाता है। सो गाइस, बात करें स्कूप एक्यूरेसी की, तो 23 ग्राम आ रहा है सिर्फ इसमें प्रोटीन एक स्कूप में। तो गाइस, ये स्कूप बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, 34 ग्राम कंपनी ने मेंशन किया, बाकी 23 ग्राम आ रहा है, बहुत डिफरेंस है। तो आपको 1.5 स्कूप लेना पड़ेगा इसकी सर्विंग को मैच करने के लिए। तो गाइस, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके मिक्सेबिलिटी के बारे में। तो मिक्सेबिलिटी की बात करो, तो 5 से 10 सेकंड मैंने इसको मिक्स किया और काफी बढ़िया सा मिक्स हो गया। तो मिक्सेबिलिटी के मामले में कंपनी को 10 out of 10 मार्क्स दूंगा। नेक्स्ट बात करो इसके टेस्ट के मामले में, तो टेस्ट काफी बढ़िया, बैलेंसर टेस्ट है। मैंने चॉकलेट फ्लेवर बुलाया, ना ज्यादा स्वीट है ना ज्यादा एकदम फीका सा, बैलेंस फ्लेवर लगा। तो मैं कंपनी को टेस्ट के मामले में भी 8 out of 10 मार्क्स दूंगा। अब फाइनल बात कर लेते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में। तो मैंने 1600 रुपए में 1 kg की पैकेजिंग बुलवाया हूँ, तो मोटा मोटी मैं आपसे बात करूँ तो 55 रुपए में आपको कंपनी 23.5 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कर रही है, जो कि थोड़ा महंगा है। ये प्रोडक्ट लगभग 1400 रुपए की प्राइस रेंज में अभी के समय में आना चाहिए, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने इसको 1200 और 1150 रुपए के प्राइस रेंज में बुलाया। बाकी महंगाई के समय थोड़ा सा महंगापन मान सकते हैं, 1400 1450 अभी के समय के प्राइस रेंज इसको मान सकते हैं, बाकी आ रहा है 1600 रुपए में, तो आपके लिए थोड़ी सी महंगी डील है। और बाकी सब तो इसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट मैंने बता दिए, नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा है, इसको 1.5 स्कूप लेना पड़ेगा इनकी सर्विंग को मैच करने के लिए। बाकी आप कंपनी के ऊपर यदि भरोसा रखते हैं, तो आप ये प्रोडक्ट बिल्कुल आत्मूंद के ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, वहाँ से चेकआउट आप
कर सकते हो। और इसका वेनिला फ्लेवर यदि आप ट्राई करना चाहे तो वेनिला फ्लेवर भी कर सकते हो, भी काफी बढ़िया लगा है, मैंने ट्राई कर रखा है। बाकी यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई क्वारी है तो नीचे कमेंट कर देना, लगता है किसी को है तो शेयर कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।